मोबाइल पर मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज अकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज अकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स, ऑनलाइन क्विज, ऑफलाइन क्विज, टेस्ट सीरीज। सभी विद्यार्थियों को हम बता देना चाहते हैं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन क्विज। छत्रपाल सर रीजनिंग द्वारा संचालित ब्रिज अकेडमी, भरतपुर, राजस्थान। अब सभी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी करें आपके अपने मोबाइल पर मोबाइल एप्लीकेशन में प्रत्येक कोर्स के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट की समस्त सामग्री निम्न प्रकार है: लाइव क्लास, वीडियो क्लास, ऑडियो क्लास, पीडीएफ नोट। चालू है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रज अकेडमी में। आज मैं आपके सामने धवन और वोकैबुलरी का शानदार सेशन जो हमने सुबह 8 बजे सेट किया है, आप सभी आ जाइए ऑनलाइन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है भाई, राइट? आ जाइए भाई, सभी आ जाइए। मैं देख लेता हूँ कौन कौन भाई हमारे आगे। आज का सेशन बहुत बढ़िया होने वाला है बेटा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, ये मेरे भी हाथ में नहीं है। जैसे आप देखते हो कभी कभी आपका मोबाइल बहुत अच्छी तरह से काम करता है, कभी कभी ये दिक्कतें आ जाती हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सबका स्वागत है भाई। मोहित, प्रदीप, विष्णु, दीपक, धवन सर का शेर, विष्णु, राजकुमार, सबका भाई बहुत दिल से स्वागत है। विवेक अवस्थी भाई, बिल्कुल अधीर मत हुआ करो, मैं सिस्टम में लग रहा हूँ। आज नई पीडीएफ लेके आया हूँ, फिर वो लोड करनी पड़ती है इसमें। आप सबका स्वागत है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी आ जाइए भाई, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, आ जाए पूनिया जी, जय हिंद भाई, जय हिंद। बंटी वैसला जी, जय, हाँ जी, आ जाओ सभी। चलो तो विदाउट बीइंग लेट, पहले तो कल वाले सेशंस को मैं स्टार्ट करता हूँ, रिज्यूम करता हूँ जो कल वाला है, ताकि फिर मैं आज की स्टडी आपको करा पाऊँ। आप जैसा सब जानते हो कि हम लग रहे थे 2 दिन से, और सबसे पहले मैंने इस वोकैबुलरी सेशन की शुरुआत की है रूट वर्ड से। सो पहला जो रूट वर्ड हम लेके चले थे वो पढ़े चले थे फाइल, फिलो और फिलिक, फिलिया। इन 4-5 वर्डों का सेम एक ही मीनिंग होता है, जिनका मतलब होता है प्रेम, और ये बार बार एग्जामों में रिपीट होते हैं। मैं चाहता हूं मेरे दोस्त सभी इसको एक बार इस तरह से पढ़ लें ताकि उनको कोई कभी लाइफ में दिक्कत ही ना हो। चलिए इसके बाद, इसके बाद राइट, ठीक है, इसके बाद जो चलता है, जो आएगा, हमने यहां से स्टार्ट किया था। ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे, ये सारे वर्ड अपने पढ़े थे। आज मैं रिवीजन के साथ ही लेके चलूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये कल वाला अटका हुआ था यहां से। तो चलिए सबसे पहले तो आप मुझे मेरे साथ 10 मिनट आके इस क्विज में भाग लें। आप मुझे बताएं इन सब का आंसर क्या होता है। जी हाँ, इन सब का आंसर क्या क्या होगा, पहले उन आंसरों को मेरे साथ देते चलें। लव यू टू अरविंद पुनिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उन सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे रोजाना मेरी अपडेट डाल रहे हैं। एक्चुअली आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ खड़े हैं, अदरवाइज एक बात बताओ, हमें यार आराम करना नहीं आता क्या? आराम से सो घर पे, कोई क्लास नहीं, कोई पेमेंट नहीं, उसकी कोई मतलब नहीं है कि यहाँ डेली डेली आके हम खड़े हों। लेकिन तुम में से कुछ दोस्त इतना प्यार देते हैं, उनकी वजह से हम यहाँ आके खड़े हो जाते हैं कि नहीं यार हमें कुछ करना ही है इनके लिए, राइट? मैं एक बार, सभी मेरे स्टूडेंट, आप जब तक क्वेश्चन पढ़ते रहो, यस, लवर ऑफ एनिमल, लवर ऑफ एनिमल इंग्लिश में क्या कहलाता है, लवर ऑफ एनिमल इंग्लिश में क्या कहलाता है, ये आप मुझे बताएंगे सबसे पहले।
लवर ऑफ इंग्लिश इंग्लिश में क्या कहलाएगा? यस, तो उसका जवाब आप देते रहे, मैं एक मिनट, दो चार भाई हैं उनका नाम ले देता हूँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे वो मेरे लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं निवेदन का बहुत आभारी हूँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से लेकर और फेसबुक तक कभी सभी जगह मेरी पोस्ट को शेयर किया है। बहुत बहुत दोस्त, आपके लिए हमेशा मैं खड़ा हुआ हूँ, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ हूँ। जी हाँ, ये निवेदन भाई हैं जिन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ किया है, चौधरी हैं और पूरा अविनाश हैं, ये एक्चुअली मेरे को पूरा नाम भी भेज दिया करें तो ज़्यादा अच्छा है। चौधरी धवन नाम से इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, धवन धवन की थोड़ा सा मुझे कॉपी भी लग रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है। और ये मोहित हैं, आर्मी लवर नाम से हैं, सचिन फौजदार हैं, अभिषेक हैं, शुक्रिया दोस्त, अरविंद हैं, अरविंद पूनिया हैं, अवस्थी जी हैं, तो इन सबका मैं बहुत बहुत दिल से आभार। विनय फौजदार हैं जिन्होंने मुझे इस तरह का, सचिन फौजदार हैं इन्होंने बार बार, अभिषेक देशवाल, चलो ये बहुत मदद कर रहे हैं। और दोस्त मैं आपकी मदद ऐसे ही आपसे चाहता हूँ। चलिए आप सभी जुड़ गए हैं तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। यस, नवीन शर्मा जी को बहुत बहुत स्वागत है। और भाई अगर आप चैनल पर नए आ रहे हैं रोजाना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर भी मेरी वीडियो आएंगी ही, आप बिल्कुल चिंता मत करें। धवन सर धवन इंग्लिश पे तो आएंगी आएंगी, इस पे आएंगी आएंगी, आप बिल्कुल टेंशन ना करें, ये चैनल भी हमारा ही है। ऐसे बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि धवन सर का ही चैनल सब्सक्राइब करना, यहाँ देख के चला जाना, ऐसा नहीं सोचना है बेटा, बिल्कुल। अच्छा अच्छा भाई, देखो मैं मानता हूँ और भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो शेयर किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं देख लूंगा तो मुझे पता रहेगा। बिल्कुल भाई, मैं किंग लाइफ स्टाइल जो भी हमारे भाई हैं ये, मैं इनका शुक्र गुजार हूँ। उमेश सोगरवाल, हेलो दोस्त, तो मुझे पता तो हो दोस्त, एक्चुअली जिन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट भेजे हैं तो मुझे मालूम होता है। जी हाँ, वस्त्रों वो कर दूंगा मैं अभी, चलो। अच्छा चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, अब मैं इस सेशन को स्टार्ट करता हूँ, आप मुझे आंसर करते जाइए। लवर ऑफ एनिमल, बेटा लवर जो होता है, जो लवर होगा वो, लवर जो होगा यस, जो लवर होगा उसको इंग्लिश में यार लेख ही आ रहा है बार बार, सलाह क्या, हाँ येलो ले लेता हूँ। जो लवर होगा बेटा, लवर को तो अपन इंग्लिश में कह देते हैं फाइल, फिलो, फिलेक, है ना, इन तमाम शब्दों से उसकी तो मीनिंग निकाल लेते हैं। सो देखिए, ये वर्ड आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है, ये वर्ड आ रहा है और ये वर्ड आ रहा है। अब मैं सबको समझाता हूँ। फिलोसॉफी पहला वर्ड था हमारा, फिलोसॉफी का अर्थ था ऐसा व्यक्ति जिसको जो लव रखता है किसके लिए, नॉलेज के लिए, विजडम के लिए, तो ये तो हो नहीं सकता। एंग्लो होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी के लिए प्रेम, और यहाँ हो गया गमी, गमी होता है शादी, शादी के लिए प्रेम, इसलिए मेरे पास ये बचता है फिलो, फिलोजोइक, जोइक जू से बना बेटा, जोइक को किससे ट्रिक बना लेंगे, जू से, जू अगर आ गया तो चिड़ियाघर हो जाएगा, जानवर हो जाएंगे। फिलोजोइक का अर्थ होता है एक व्यक्ति जो प्रेम करता है किससे, एनिमल से। दूसरा वर्ड मैं आपके साथ लेके चलता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपके सबके आंसर, बहुत बढ़िया सबने, बिल्कुल बिल्कुल आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लवर ऑफ गॉड, ईश्वर से प्रेम करने वाला कौन कहलाता है। सुनिए, आंसर देने का भी एक तरीका समझ लीजिए आप सभी लोग। आंसर जब भी देंगे दोस्तों, आप पहले सामने 1 2 3 4 5 टाइप करेंगे ताकि मुझे मालूम हो जाए आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी थोड़ी सी कमेंट लेट शो होती है मेरे सिस्टम पे, तो मैं समझूंगा दूसरे का रह गया है वो आंसर, है ना बेटा। सो दूसरा जो वर्ड मेरे पास आ रहा है वो है लवर ऑफ गॉड, ईश्वर के लिए। बेटा आपको याद होगा, ईश्वर के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं वो थियो वर्ड यूज करते हैं, राइट। फिलोलॉजी, फिलो गॉजी नहीं होना चाहिए, लॉजी होना चाहिए, हाँ है ना, फिलोलॉजी। दूसरा वर्ड आता है फिलोगेमी, फिलोजिनी, दूसरा है फिलोथीस और एंथ्रोपोलॉजी। देखो ना, एंथ्रोपी जो वर्ड है, फिलेंथ्रोपी तो मतलब वो हो गया प्रेम मानव जाति के लिए, क्योंकि मैंने बताया था एंथ्रोप माने मानव होता है, राइट। अच्छा, फिलोलॉजी जो वर्ड हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा वर्ड का अध्ययन, है ना। फिलो इसमें गायन आ रहा है तो महिला, इसमें क्या आ रहा है बेटा, गायन तो क्या हो गया, महिला, इसलिए यहाँ वर्ड हो जाएगा थियो। देखो बेटा, थियो यहाँ आ रहा है, राइट। और आईएसटी लग गई तो बेटा पर्सन मीनिंग देता है,
व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर से बहुत प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? फिलोथिस्ट। जी हाँ, फिलोथिस्ट, बहुत बढ़िया आंसर। तीसरे का आंसर भी दे दो, लवर ऑफ गुड फूड, भोजन का प्रेमी। यस, क्या बोलेंगे इसको? पहला वर्ड आ रहा बेटा हिपोफाइल, घोड़ों का प्रेमी हो गया ये। दूसरा वर्ड आता है नेक्रोफाइल, जो डेड बॉडीज से प्यार करता है। नेक्रोफाइल का मतलब क्या हो गया? डेड बॉडीज के लिए प्रेम। और दूसरा फ्लैटली, कलेक्शन ऑफ स्टाम्प कलेक्शंस हो जाता है। यहाँ आता है गवर्नमेंट, गौर, जी ओ यू आर एम ए एन डी, गवर्नमेंट का जो मीनिंग आता है वो आता है ऐसा आदमी जो फूडी है। और फूडी किसको बोलेंगे बेटा? यस, जो खाने का बहुत शौकीन है, जो खाने की क्वालिटी का बारे में बहुत कुछ जानता है। ये दो वर्ड आते हैं इसके लिए अक्सर, तो आपको याद रखना है गुड फूड। और बेटा मैंने कहा जिसकी गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, गवर्नमेंट बेटा खाना उसको बढ़िया मिलेगा, रोजाना वो होटल पे ही जाके खाएगा बढ़िया तरीके से, फाइव स्टार में। हाँ बेटा, ये चीज से याद रखिएगा, बहुत बढ़िया। तीनों को एक बार दोबारा से देख लीजिए, तीनों को। ऑल क्लियर? ऑल नोट्स इन द पेज विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर? वांट टू क्लियर द नोट? नॉट नोट्स यार, राइट? आप सबको देखा एक बार और ढंग से। हाँ यस, एक बार दोबारा देखो। लवर ऑफ एनिमल, लवर ऑफ एनिमल क्या कहलाते हैं? फिलोजॉय। लवर ऑफ गॉड, ईश्वर से जो प्रेम करता है, थीस्ट। और अगला आता है लवर ऑफ गुड फूड, उसके लिए आता है गवर्नमेंट। तो ये तीन वर्ड आपको सेट कर लेने हैं। चलिए आगे सेशन को बढ़ाता हूं। यस, आगे सेशन को जब अपन पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका क्या आंसर आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि मेरे सभी स्टूडेंट इसको ढंग से देख पाए। जी हाँ भाई, आ जाओ फटाफट, आ जाओ फटाफट। हाँ भाई, क्या होगा? लवर ऑफ लर्निंग, सीखने का जो प्रेम, प्रेमी होता है, सीखने से जिसको प्रेम है, जो नई नई चीजें सीखता है, पढ़ाई लिखाई उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, उसे क्या बोलेंगे बेटा? बताओ फटाफट, आंसर दो मुझे। पहला आ रहा है हिस्ट्री, हिस्ट्री तो कैसे होगा? लर्नर नीचे आ रहा है, लर्नर बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, लेकिन लर्नर ही पूछना होता तो इतना घुमा फिरा के नहीं कहता। एक और वर्ड आता है सेम ऐसा एग्जाम्पल, एक और आया था एग्जामों में, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसमें एक और एग्जाम्पल आया था, पता है क्या आया था? एक आया था पेपर में कि ऐसा आदमी जो ड्राइविंग करता है उसे क्या बोलते हैं, और पहला ऑप्शन था ड्राइवर। अब गलत हो गया, उसका सही आंसर होता है शॉफर। क्या होता है? प्रोफेशनल जो आदमी ड्राइविंग करता है उसे शॉफर बोलते हैं, ड्राइवर नहीं बोलते। ड्राइवर तो कोई भी ड्राइव कर सकता है, मालिक भी कर सकता है, लेकिन जिन लोगों का प्रोफेशनली काम है कारों को चलाना, उन्हें शॉफर बोलते हैं। फ्रेंच वर्ड है, पेपर में आया था। तो हमें क्या लगता है कि जो पहला ऑप्शन होगा वही सही होगा? ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे लवर ऑफ लर्निंग, लवर ऑफ लर्निंग, सीखने से जो, सीखने का जो प्रेमी है उसे बोलते हैं फिलो मैथ। मैंने कहा था मैथ तो सीख कर ही आता है बेटा। यस, मैथ जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, तो याद रखना है लवर ऑफ, है ना? यस, अगला वर्ड आता है इसके बाद, लर्नर हो गया, फिलोडॉक्स। मैंने आपको बताया था अपने ही मतों का प्रेम करने वाला, मतलब जिस आदमी को अपनी ही बात बहुत अच्छी लगती है। देखो बेटा एक चीज और समझ लो, मैं केवल एक क्वेश्चन का आंसर दूं तो गड़बड़ है, ये चारों क्लियर होने चाहिए। इन चारों का मीनिंग क्या है? जब तक इन चारों का मीनिंग क्लियर नहीं होगा, हाँ ये रवि कह रहे हैं सर वन पेज पर वन क्वेश्चन किया करो। रवि, एक पेज पर एक ही क्वेश्चन है अगली पीडीएफ से बेटा, वो है ना? मैंने यार एक्चुअली वो पीडीएफ सेट की थी, लेकिन इसमें दिक्कत आ रहा है। दिक्कत क्या आ रही है मैं बता देता हूँ आपको, वो खुली नहीं थी यहाँ पे कल से, तो फिर मैंने हटाई नहीं है। और इस एक्सरसाइज के बाद जो आज मैं नए वर्ड लेके आया हूँ, एक पेज पे एक ही करेंगे। मुझे मालूम है इसमें दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा कोई इसका आंसर दे रहा है, आप समझ रहे ना? तो मुझे भी दिक्कत होती है, मैं समझ रहा हूँ आपसे। अभी बहुत अच्छी सुझाव है आपका, शुक्रिया। चलो हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके सामने पहले ये डाल देते कौन से नंबर पर हम बात कर रहे हैं। लवर ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति को क्या बोलते हैं बेटा? एंथ्रोप। क्या बोलते हैं? एंथ्रोप। सो एंथ्रोप हो जाएगा, और एंथ्रोप हो जाएगा, और एंथ्रोपिस्ट भी हो जाएगा। ये दोनों ही वर्ड पेपर में आपको दिखाई दे तो आप कर सकते हैं, लेकिन आईएससी लग रही है तो पर्सन की तरफ जाना है, तो ये दोनों ही ठीक है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे में ये हो गया, छठवे में आएगा पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। सेम क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्रेम करता है उसे क्या बोलेंगे बेटा? एंथ्रोप। ऊपर वाला ही सेम रिपीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम रुक करेंगे, अगले क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे कौन सा होना चाहिए इसमें से। जी हाँ,
अगला आ रहा है मैन हु इज एंगेज्ड इन एक्सटर्नल मैरिटल सेक्स. यस दोस्तों, ऐसा आदमी जिसके अतिरिक्त अवैध संबंध होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कल मैंने बताया था जी. हाँ, क्या उसका जवाब होगा बताइए जरा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मैंने कहा था लफंडर. ऐसा आदमी क्या कहलाता है? लफंडर कहलाता है. तो ये फिलेंडरर जो वर्ड आ रहा है, फिलेंडरर वो होगा, है ना? फिलेंडरर जो वर्ड है उसको अपन कहेंगे यहां, ये है. यस हाँ चलो. फ्लर्ट क्या होता है? किसी आदमी के लिए जो किसी व्यक्ति से जो छुपी छुपी बातें करते हैं उसे फ्लर्ट कहते हैं बेटा, है ना. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया. यस 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 यस, लफंडर से याद रख लो, बहुत बढ़िया. हाँ, ये लफंडर से याद रह जाता है, ऐसा व्यक्ति जो गड़बड़ करता रहता है. चलिए, मैनर ऑफ थिंकिंग ऑफ अ पर्सन, मैनर ऑफ थिंकिंग ऑफ अ पर्सन क्या कहलाता है? यस, किसी व्यक्ति का सोचने का तरीका क्या कहलाता है? पहला देखिए, डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी तो बेटा कूटनीति ही होती है, कूटनीति, सोच समझ के चीजें करते हैं, वो नहीं होगा. फिलोथिज्म गौर से संबंधित वर्ड है, फ्लेंडरर ऊपर वाला है, तो यहां उसको बोलेंगे आइडियोलॉजी. यस, इसको हिंदी में बोलते हैं विचारधारा, विचारधारा. यस, किसी इंसान की किस तरह की सोच है, सोचने का तरीका है, उसको एक्चुअली क्या बोलते हैं? विचारधारा. उस व्यक्ति की इस तरह की विचारधारा नहीं है, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि वो उसका इस तरह का सोचने का पैटर्न नहीं है. ये थोड़ा अलग टाइप से आ गया है, स्वागत है इसका, कोई दिक्कत नहीं है. इसमें आइडियोलॉजी लग रही है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि लॉजी लग रही है तो कहीं ना कहीं विषय ही होगी. ऐसा जरूरी नहीं है बच्चा कि सभी वर्डों में अगर लॉजी लग रही है तो वो विषय ही होगा. चलिए अगले आते हैं, मैरिज ऑफ गॉड, ईश्वर की शादी क्या कहलाती है? ईश्वर की शादी, तो देखो बेटा, गेमी मतलब शादी और थियो माने गॉड. तो यहां मैं इसलिए बता रहा था ये वर्ड कि जरूरी नहीं है कि जो वर्ड आपने पढ़े हैं, हाँ, आइडिया लगाओ, आइडियोलॉजी हो जाएगा. बिल्कुल ये भी ठीक है भाई, जिसमें आदमी अपने आइडिया लगा रहा है तो उसके आइडियोलॉजी हो जाएगी वही, है ना. ये भी ठीक है भाई अजय. अब एक और चीज आपको समझ के चलनी है यहाँ पे कि आपको ये वर्ड क्यों आ गया मैरिज ऑफ गॉड, तो यहाँ पर सब है भाई नहीं. अरे भाई, जब आपको पता है मैरिज को बोलती अपन गमी और गॉड को बोलते थियो, तो थियोगेमी हो गया. क्या हो गया? थियोगेमी. तो मैंने कल भी कहा था कि ये वर्ड एक बार पढ़ने के अलावा तुम ये मत सोचना इनका काम खत्म है, इनका काम शुरू होगा वहां से, ठीक है. सो आइडियोलॉजी ऊपर हो गया, विचारधारा हो गया, फ्लेंडरर, फ्लेंडर आपको मालूम ही है, और यहाँ आ गया फिलोगेमी, मतलब साथी से जिसको प्रेम है. यहाँ फिलो माने हो गया बेटा लव, और गमी मतलब हो गया मैरिज, तो शादी से जिसको प्रेम है, इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया कौन सा? यस, इसका बी हो गया, इसका बी आंसर हो गया, इसका हो गया हमारा आंसर डी, और इसमें हो गया सी. चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है और मुझे आज नया रूट वर्ड भी आपको खींचना है, है ना. समय रहता नहीं है, पढ़ाने को इतना पड़ा है कि आप समझिए कि कम से कम 100 रूट वर्ड बनाए, और 100 रूट वर्ड का मतलब हो गया कि एक एक रूट वर्ड में 40-40, 50-50 शब्द है. तो कितने सारे शब्द हो गए, मैं आपको जबरदस्त तरीके से ये कराना चाह रहा था और कराऊंगा भी, टेंशन मत लीजिएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा. बहुत सारे वर्ड हैं और सभी वर्ड ऐसे लूंगा जो एग्जाम में आ रहे हैं बार बार. ऐसा कोई वर्ड नहीं लूंगा कि यार रूट तो है लेकिन एग्जाम में तो आता ही नहीं है, फिर उसका पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है भाई. दसवीं का क्या आंसर होगा आप मुझे बताते. देखो बेटा, मैं जब आपसे बात करता जाया करूं, पीछे डिस्प्ले पर आप क्वेश्चन भी पढ़ते जाया करो. यस, दसवें में सभी बोल रहे हैं भारत, भारत कह रहे हैं सर डी आएगा, और यहाँ पर हरकृष्ण कह रहे हैं सर बी आएगा, है ना, और मेरा शेर कह रहा है ए आएगा. हाँ भाई, वन हु लव्स द लव्स और कलेक्ट्स बुक, ऐसा आदमी देखो, ये भाषा जी है ना, ये आपको भ्रमित करने के लिए दे दी है, जबकि सब देखिए जो किताबों को पसंद करता है, जो किताबों को क्या करता है, पसंद करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे इंग्लिश में बेटा? उसे बिब्लियोफाइल बोल सकते हैं, उसे फिलोबिब्लिक बोल सकते हैं, और बिब्लियोफिलिस्ट भी बोल सकते हैं. तो ऑल ऑफ देम सही आंसर हो गया डी. बेटा इन सभी शब्दों का जो मीनिंग है वो लगभग एक जैसा ही है, बिल्कुल इसका सही, टेंथ का सही आंसर जो होगा वो होगा डी. हाँ भाई, ये बहुत सारे लोगों का गलत है. एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये तुमने यार मास साहबों से पढ़ा है, ये कई किताबों में क्या एक ही दे रखा होता है, यही तो तुमने क्या फिक्स रट लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई. मैंने क्या कहा था, औरों से अगर बढ़िया नहीं कराया तो फिर मतलब ही क्या है इस चीज का, आप समझ रहे हो ना. इसको अगर आप जर्नल किसी किताब में या किसी टीचर से पढ़ोगे ना, तो आप वो एक ही बता देगा, अरे ये शब्द भी तो बनेंगे, मैंने कल नहीं बताया था, इसमें एक लग जाता है, है ना, ये कॉमन नाउन की तरह आ जाता है ना,
और ये आईएसटी बन जाता है। ये बताया नहीं था मैंने कि भाई इन शब्दों से और चीजों का भी निर्माण होगा, तो पेपर में और दूसरे आ गए तो तुम तो भ्रमित हो जाएंगे। दीपक तो अभी भी अच्छा, दीपक आगे बढ़ गए, चलो ठीक है। तो भाई ऐसे याद रखना, हाँ उसमें पहले ही मैच हो गया था, कैसे भी मान लो भाई उसको, आप ये समझ लो कि अगर इनमें से एक आधी पढ़ा तो फिर मजे नहीं आएंगे बेटा। पेपर में दूसरा तीसरा आ गया तो फिर कैसे करोगे बताओ। यस चलो ग्यारहवें पे चलते हैं। वन हु लव्स एंड कलेक्ट पोस्टेज स्टाम्प्स, टिकट है भाई साहब। टिकट से क्या होता है, अरे भाई साहब डाक आया था, डाक और फिर लेटली, फिर लेटली कहां है बेटा बताओ। तो अगर यहां व्यक्ति आ रहा है, वन हु मतलब पर्सन, पर्सन है तो आईएसटी लग गया, पर्सन है तो क्या लग गया बेटा आईएसटी। ये फ्लैटली तो वर्ड है, फ्लैटली ही तो वर्ड है, आप समझ लो आईएसटी लग गया तो पर्सन बन गया है वो वर्ड। क्या बन गया बच्चा, पर्सन बन गया। मैं तुमसे बोल तो रहा हूं मेरे तरीके से पढ़ लो, साला पेपर में आप कंफ्यूजन हो ही नहीं सकते, 10-10 वर्ड बता दूंगा उसके। मैंने कल भी कहा था आपको, डिक्शनरी में नहीं है, वहां से काम कर रहा हूं मैं, सारा एक एक वर्ड पे 10-10 बार रिसर्च होती है, ऐसी नहीं किसी किताब में से उतारे और डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं है भाई। बहुत बार इन पे स्टडी की और कई बार ये पढ़ाए ऑनलाइन ऑफलाइन में, तब जाके ये स्टार्ट हुआ है यहाँ पे, तो बिल्कुल चिंता मत करिएगा। कई बार इन पे काम किया है। राहुल कह रहे हैं लव यू शक्तिमान। अरे शक्तिमान तो पुराना हो गया, कुछ नया ले गया राहुल, यार ऐसा मत कर। शक्तिमान तो हमारे मेरे लिए भी मतलब, शक्तिमान तो मुझसे भी पहली पीढ़ी देखती थी यार, है ना राहुल, तुम तो मुझे बुजुर्ग बता रहे हो यार, अभी मैं जवान हूँ, चिंता मत करो। चलो ग्यारहवे का डी का मीनिंग बता दो, ग्यारहवे के डी का मीनिंग बताता हूँ। देखो बेटा सबका बताऊंगा ग्यारहवे का। तो देखो बिब्लियोफाइल पुस्तक प्रेमी, ऊपर वाला वर्ड दे दिया सेम ये वाला, ये बिब्लियोफाइल ठीक है। ये फ्लैटली मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पोस्टेज स्टाम्प कलेक्ट करने का बहुत मजा आता है, ऐसा व्यक्ति जो पोस्टेज स्टाम्प कलेक्ट करता है उसे बोलते हैं अपन, ये उसके लिए ये वर्ड आएगा, है ना। आज ये बोर्ड क्या हुआ है इसको। थोड़ा रेड हो जाएगा, हाँ ये हुई ना बात, ये हो गया बेटा। अब देखिए ये वर्ड आ रहा है फिलोडेमिक, तो डैम आ गया, तो बेटा मैंने कहा था डेमो, है ना, और डेमो में कौन रहते हैं, लोग रहते हैं, तो जो लोगों को आम आदमी को प्यार करता है उसे फिलोडेमिक कहते हैं, है ना। कल की क्लास देख लेना, अगर नहीं देख रहे हो तो क्रम से देखोगे, मजा आएगा मुझे भी और तुम्हें भी। हाँ तुम्हें भी, अरे ये तो ज्यादा हो गया रे, ये तो ज्यादा हो गया। दूसरा है पेसिमिस्ट, बेटा दो वर्ड है, रट लेना इन वर्डों को। हाँ भाई किसी भाई ने मेरे से पूछा था, दो वर्ड है मेरे पास, नहीं रट लेना। यस 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 यस, है ना, एक 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 वर्ड है मेरे पास पेसिमिस्ट और एक वर्ड है मेरा ऑप्टोमिस्ट। यहाँ अवस्थी कह रहा है दो दिन से हो रहा है भाई, ऐसा है एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया है, थैंक यू ब्रदर, एक्चुअली हमने स्टार्ट किया ना ये, इस बोर्ड पर मेरे को अभी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक दो दिन में आ जाएगा यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, आप नया मोबाइल लाते हो एक ही दिन में सब सीख जाते हो क्या, इजेट हो उसकी, इसकी सेटिंग अलग है, वो पहला वाला बोर्ड अलग था थोड़ा सा हमारा, और तीसरा भी अलग हो सकता है ना। सही है ना मामला। एक और बहुत बेहतरीन सी पीडीएफ बना के लाया हूं, उसे पढ़ाऊंगा थोड़ी देर। तो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट दो वर्ण है, एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम से बार बार एग्जाम में आते हैं, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट किसको बोलते हैं बच्चा, वो पता बच्चा, निराशावादी, ऐसा व्यक्ति जो जीवन की डार्क साइड को देखता है, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, अब कुछ आदमी तो ऐसे देख रहे बेटा मर गए, अब तो कुछ होगा ही नहीं, जीवन अस्त व्यस्त है, पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसी सोच वाले व्यक्ति को तो पेसिमिस्ट कहेंगे। और इसी में एक वर्ड आता है ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट जो वर्ड आता है ना बेटा, जो ऑप्टिमिस्ट वर्ड आता है उसमें कैसा होता है, उसमें आदमी आशावादी होता है, आशावादी होगा तो कैसे सोचेगा पता है, अरे बस अब ये कोरोना हटने वाला है, एग्जाम आने वाले हैं, हम बहुत अच्छी बात करेंगे, ये होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, ऐसी आशा भरी बात करता है उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। तो जिसके पास, मैं इनको ट्रिकों से पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब बिल्कुल बना रखी, ये आ गया बीच में। चलिए लवर ऑफ आर्ट्स क्या कहलाता है, आर्ट्स का जो लवर होता है वो क्या कहलाता है, जी हाँ उसे क्या बोलेंगे। देखो पहला वर्ड आता है फिलोटेक्निक, राइट, पेंटर, दूसरा आता आर्टिस्ट, है नन ऑफ दीज, तो सही आंसर हो गया आर्टिस्ट। हाँ भाई पेंटर तो बिल्कुल अलग हो गया, आर्ट में थोड़ी आता है पेंटर, तो आर्ट तो बहुत बड़ी चीज है, उसके एक हिस्सा है पेंटर, तो जी हाँ भाई, यस ऐसे बात समझ के चलो।
यू आर चलिए चलिए, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू. चलो 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 चलो, ठीक है. तो ये चीज आपको समझ के चलनी है. तो यहां आर्टिस्ट रखेंगे. ये फिलोटेक्निक तो ये होता है जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है बेटा, जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है उसे कहेंगे ये चीज, है ना, तकनीकी प्रेमी. चलो नेक्स्ट, अगला वर्ड मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं. मुझे फटाफट आंसर करिए भाई. यस, हाँ भाई, फटाफट आंसर करिए मुझे. हाँ जी, इनके आंसर मुझे करिए फटाफट, ताकि मैं अगली पीडीएफ पे चलूं. जी, तेरहवे का क्या है, लवर ऑफ डॉग्स को क्या कहेंगे? यस, तो बेटा क्या होगा, लवर ऑफ डॉग्स क्या कहलाएगा बताइए फटाफट मुझे, लवर ऑफ डॉग्स क्या कहलाएगा. एक एक चीज पे आता हूं मैं. थैंक यू जो भाई नए जुड़े हैं, सबका स्वागत है. हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वोकैबुलरी के, रूट वर्ड्स की. मैं एक रूट आपको करा चुका हूं, उसकी एक्सरसाइज चल रही है, और अगला रूट बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है. चलिए, लवर ऑफ डॉग्स, देखो बेटा, होमिसाइड होता है पूरी जाति की, पूरी प्रजाति की जो हत्या होती है. मैं कराऊंगा अगला. लोगोफाइल होता है बेटा शब्दों से प्रेम. मैंने बताया था लोगो का वर्ड आप समझ के चला करो, ठीक है. और यहां पर जो फाइल वर्ड है उसका मतलब हम दो दिन से चिल्ला ही रहे हैं. अगला वर्ड आता है कैनोफिलिस्ट और डेमोफाइल. तो डेमोफाइल, तो डेमो में मतलब हो गया पीपल, तो आम आदमी है ना, जो लोगों से प्यार करता है वो, तो ये हो जाएगा, इसलिए सही हो गया कैनोफाइल. कैनोफिलिस्ट भी बोल सकते हैं. कैनोफिलिस्ट का मतलब है लवर ऑफ डॉग्स, जिसको कुत्ते बहुत प्रेम, जिसको कुत्ते बहुत प्यारे लगते हैं, उसे बड़ा अच्छा लगता है डॉग पालना, है ना, ऐसा हो जाएगा, है ना, वो चीज आपको याद रखना है. चलिए, इसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर एंड आर्ट. बहुत अच्छा वर्ड है बेटा ये. ऐसा व्यक्ति जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता वो, ना तो लिटरेचर में और ना ही कला में, ना तो साहित्य में ना कला में. बहुत अच्छा वर्ड है, यहां पर आ गया, बहुत अच्छा वर्ड है. आप मुझे बताइए, चौदहवा कई दफा एग्जामों में आ चुका है. आप एनडीए के एग्जाम उठा के देख लेना, उसमें कई दफा आ चुका है बेटा ये. यस, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार आता है एक्चुअली एग्जाम में. यस, एसएससी भी दे चुकी है. ऐसा व्यक्ति जिसको कला और साहित्य में कोई रुचि नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते बेटा इंग्लिश में फिलिस्टाइन. उसे क्या बोलते हैं? फिलिस्टाइन. हिंदी में असभ्य बोल देते हैं इसको कई बार, असभ्य. ये असभ्य जैसा होता है बेटा, याद रखना फिलिस्टाइन. तो फिलिस्टाइन को याद रखना है फिलिस्तीन से. हाल ही में एक जो फिलिस्तीन कंट्री है उसको इंग्लिश में भी फिलिस्टाइन कहते हैं, तो मुझे उसी से याद है. मैं ऐसे मानता हूँ वहां के लोग असभ्य हैं. ऐसा कहना गलत है बेटा, ऐसा कहना गलत है. फिलिस्टाइन में रहते हैं हमारे मोमटन भाई, और याद रखना फिर कहीं खान सर की तरह कहते हैं कि धवन सर ऐसा एग्जाम्पल दे रहे थे कि फिलिस्टाइन में भी लोग कैसे रहते हैं, असभ्य रहते हैं. अब मैं क्या करूं, आप डिक्शनरी करके देख लीजिए, इसका वर्ड ही असभ्य है ना. हाँ, आप कहते हैं कि यार ये सारे टीचरों को हुआ क्या, ये एंटी मुस्लिम बात करते हो. भाई ऐसा नहीं है, हमारे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त हैं और भाई हैं, चलिए, जिनके साथ हम प्यार से रह रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे. चलिए, सो फिलिस्टाइन का जो मीनिंग होता है वो रहता है असभ्य. क्या रहता है? असभ्य. ये चीज आपको याद रखनी है. जी एक सेकेंड, एक होता है इलिटरेट. इलिटरेट किसको बोलते बेटा? इसको लिटरेट तो होता है, लिटरेट को सेट करो पहले. तो लिटरेट होता है पढ़ा लिखा, और इलिटरेट होता है निरक्षर, जिसको साक्षर नहीं है जो आदमी. लिटरेट तो साक्षर होता है. प्रिमिटिव होता है आदिकाल का, पुराना, आदिकाल का, है ना. प्रिमिटिव माने पुराना होता, ओल्ड होता है, ऐसे एंशियंट होता है, ऐसे समझ लो. और एथिस्ट का जो मीनिंग होता है वो होता है भगवान पर भरोसा रखने वाला. इसमें देखो थियो आ रहा है ना, ये जो वर्ड आ रहा है थियो आ रहा है ईश्वर. और आईएसडी माने पर्सन, व्यक्ति. ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर भरोसा रखता है, उसे नहीं, भगवान पर भरोसा नहीं रखता. ये तो थीस्ट हो जाएगा, भरोसा रखने वाला. अलग गया तो उल्टा बन जाएगा. अथीस्ट माने जो भरोसा नहीं रखता है. आगे मैं पढ़ाऊंगा इन सारे वर्डों को, टेंशन मत लो, क्योंकि ये ऑप्शन बनाने के लिए बीच बीच में आ जाते हैं बेटा. जब अपन ऑप्शन बनाते हैं तो ये बीच में आ ही जाते हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें. चलिए चलिए, अगला वर्ड मैं पहले ये करा देता हूं, ये बहुत जरूरी है. अगला वर्ड आता है मैन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन. जी हाँ भाई, आप मुझे बताइए,
ऐसा आदमी जो प्यार करता है बिना सीरियस इंटेंशन के, मतलब प्यार मोहब्बत की और निकल लिया, ऐसा कौन है भाई तुम में से? जी बिना सीरियस इंटेंशन के करता है। हाँ, प्यार करना शादी नहीं करेंगे वो वाला फीलिंग है बेटा ये, बताओ ऐसा व्यक्ति कौन है जी? चलिए चलिए नेक्स्ट, आप मुझे बताइए फटाफट इस तरह का कौन है। सो इसमें अगर आपको करना है तो आपको समझना चलेगा, अ मैन हु मेक्स लव विदाउट सीरियस इंटेंशन, इंटेंशन माने होता है बेटा इरादा, है ना? हाँ, इरादा। ये चीज देखना, जो सीरियस इंटेंशन के बिना प्यार करता है उसे क्या बोलते बेटा? उसे बोलते फ्लैंडरर। क्या बोलते बेटा? फ्लैंडरर, वही सेम वर्ड आ गया है। ऑल ऑफ देम नहीं होगा, फ्लैड तो एक्चुअली वर्ब है ना, तो व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए ऑल ऑफ देम हम करेंगे नहीं और ये होगा नहीं, इसको फ्लैंडरर ही रख लेते हैं। फ्लैंडरर वर्ड ज्यादा बढ़िया है इसके लिए, ठीक है बेटा? इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यस, ये दो तीन एग्जाम्पल हैं, दोबारा रिपीट हो रहे हैं, फटाफट बता दीजिए मुझे। One who loves mankind, दोबारा आ चुका है ये सेम, राइट? दोबारा आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लगा दीजिए आप, वो भी शायद मानव जाति की हत्या हो गई, ये कर देंगे, है ना? फिलैंथ्रोपिस्ट, ऑप्टिमिस्ट अभी आया था, आशावादी होता है बेटा, ठीक है? आशावादी होगा, फ्लो म्यूज हो गया, किसको बताया था मैंने? म्यूज, म्यूज का जो मैंने मीनिंग बताया था वो बताया था आपके लिए, किसका? जिसको लिटरेचर और साहित्य से प्रेम है ना, हाँ, तो उसको साहित्य प्रेमी बोलेंगे, साहित्य प्रेमी जी, काव्य प्रेमी भी कह सकते हैं। तो ये चीज यहां पर हो गई बेटा, आशावादी, साहित्य प्रेमी, ये हो गया मानव, ये पूरी हो गई मानव, मतलब पूरे समुदाय की हत्या होती है, होमिसाइड, ये हत्या में चला जाता है बेटा, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, पर तो इसका सही आंसर हो गया सी। चलिए, इसमें से ऑप्शन बहुत अच्छे थे बजाय इसके, ऑप्शन बहुत अच्छे थे इसके, हाँ, यस यस यस। अरे भाई मैं ज्यादा तो नहीं कहता, एयरपोर्ट्स में तो 20 में से 20 ही आने चाहिए, पेपर ही बहुत हल्का आता है यार, तुम्हारा पेपर इतना सरल आता है यार, काहे को टेंशन ले रहे हो? मेन मेन चीजें कुछ भी नहीं है, मैं जो करा दू उसे कर जाना ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत सारे मॉक टेस्ट, ग्रामर सब तैयार कर रहा हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? एक सेकंड। हाँ भाई, जी बोल रहा हूँ, अरे ये वो टाटा स्काई यार हमारी बंद पड़ी हुई है कोरोना से पहले से, उसके तार वार लगा के स्टार्ट कर दीजिए। जी जी करवा दीजिए। नगला बर्ताई और अभी लिखा हुआ है उसमें पोस्ट नारी भरतपुर जी, पास है ये करीबन 6 to 7 किलोमीटर, ये हाईवे पे ही चले जाएं, नेशनल हाईवे आगरा। जी 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 बिल्कुल, वो कर दूंगा मैं वो, ठीक ठीक है। और एक और चीज, टाइमिंग का एक याद रखना है, 11 से 2 के बीच में ही आए। जी जी ठीक ठीक है बॉस, ओके ओके ओके, यही नंबर है मेरा, सेम नंबर। डबल जी, ठीक 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 है जी। हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई हाँ भाई, फोन आ गया था यार मेरा। चलो टाटा स्काई लगवा लेना, डाला तो लाए जिंदा डाला, अरे कमीनो वो घर की टाटा स्काई है, मेरी नहीं है भाई। चलो आगे चलते हैं, हमारी टाटा स्काई तो देखो यही चलेगी, आ जाओ ऐड मत करवाओ कमीनो तुम सब इनका। सो अ लवर ऑफ विमेन काइंड, जो महिला जाति है उसका प्रेमी कौन है भाई तुम में से? हाँ, इसको महिला हितेशी बोलते हिंदी में, महिला हितेशी। हाँ भाई, जो महिलाओं का हित रखता है, सम्मान करता है महिलाओं का। हाँ जी, कई लोग होते हैं जो महिलाओं से छेड़ते हैं, अरे मरो यार लेडीज आ गई है, अधिकारी भी आ जाए तो दिक्कत कर देते हैं,
लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अरे यार लेडीज आ गई, समझ गए ना, आ जाओ। सो अ लवर ऑफ वुमेन काइंड क्या होगा, महिलाओं का प्रेमी क्या कहलाएगा, आगे बताओ मुझे फटाफट। देखो फिल हेलेंस हेला आ गया तो ग्रीक कल्चर, ग्रीक कल्चर से फिलोमैथ लर्निंग से जिसको प्रेम है, फ्लैटली डांक दिखते हैं, तो ऑप्शन बचा ये, इसमें जी वाई एन आ रहा गायन, क्या रहा जी वाई एन गायन, इसको याद रखो आप डायन, और महिलाएं तो डायन ही होती भाई, कहने के लिए याद करने के लिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। सो फिलोजेनिस्ट जो वर्ड आ जाता है इसका मतलब हो गया जो व्यक्ति महिलाओं से प्रेम करता है। लवर ऑफ म्यूजिक, यस लवर ऑफ म्यूजिक, हारमोनिक कहां दिख रहा है भाई आपको, सर ये रहा हारमोनिक, तो हारमोनियम बजाएंगे जब तो भाई साहब म्यूजिक से प्रेम होगा आपको, यस हाँ कोई ना कोई तो तुम्हारे मोहल्ले में होगा जो सुबह सुबह हारमोनियम लेके बैठ जाता है, सा रे ग म, याद है ना आपको, यस। सो फिल हारमोनिक का जो मीनिंग होता है वो होता है ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार है म्यूजिक से, जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट, फिलोगेमी शादी से प्यार हो गया, फिलो ये तो स्पेलिंग ही मुझे अजीब लगी है। अगला बढ़ाता है फिलो डॉक्स, ऐसा व्यक्ति जिसको अपने मतों से प्यार है, राइट यस। ये खामाखा की स्पेलिंग बना दी है, बिल्कुल गलत है, कोई स्पेलिंग नहीं है, ऑप्शन बनाने के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उल्टी सीधी वर्ड बना भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन आपके सामने स्पेस हो रहा है, यस लवर ऑफ रेन, इन द रेन ऑन द रूफ, बेटा बारिश में छत पर जो आदमी निकल पड़ता है उसे क्या बोलेंगे, लवर ऑफ रेन, कौन है भाई आपने से, यस बारिश का प्रेमी। अभी मौसम आ रहा है, एक्चुअली अभी हाईलाइट चल रहा था कल परसों जब बारिश आई थी, जब उसमें आ रहा था कहीं न्यूज में या न्यूज पेपर में मैं देख रहा था इसको, तो इसे क्या बोलेंगे, चले चले आगे चलते। हेलियोफाइल, तो हेलियो बोलते सन को, सूरज को, क्योंकि सूरज के अंदर कौन सी बेटा कौन सी गैस होती है, हीलियम होती है, तो ऐसे याद कर लो। सो सन से प्यार करता है जिसको, धूप से बड़ा प्यार है ना, हाँ। अब भाई हमारे इंडिया में कहाँ धूप से प्यार होगा, धूप से प्यार तो वहां होता है जिसको अलास्का वालों को, साला पूरी साल बर्फ पड़ती है तो धूप निकलती है तो सोचो कितना प्यार आता होगा ना, यहाँ तो धूप निकलती ही जान चली जाती है ना, यस। जीनोफाइल ये होता है विदेशी, क्या होता है बेटा ये विदेशी, तो विदेशियों से प्रेम जो होता है, हाँ अंग्रेज देखे पहुंच गए, हाँ जी वन फोटो प्लीज, हाँ आप वैसे किया है किसी ने, तो वही करते हैं $1, अब भाई बच्चे तो यही हैं, यस पुल टूट गया है, ट्रिक बना रहा है, चल ठीक है। अच्छा एस्ट्रोफाइल, एस्ट्रो माने होता है स्टार, तारे, जिसको तारों से बड़ा प्रेम है ना, हाँ तारे गिनगिन तारे गड़गड़ याद से तेरी मैं तो जागा रहता नहीं, याद है ना आपको बेटा वो गाना, यस। तो वो हो जाएगा अपना एस्ट्रोफाइल, क्या कहलाएगा बेटा एस्ट्रोफाइल, यस यस यस। और अगला वर्ड आता है प्लेबियोफाइल, प्लूवियोफाइल का अर्थ हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जिसको किससे प्रेम है, बारिश से, प्लूवियो, प्लूवियो माने बारिश होता है इंग्लिश में, Pluvio, P-L-U-V-I-O, याद रख लो बस, फाइल तो उसमें लगी रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, बहुत अच्छा आपका जवाब है, लेकिन जवाबों को देते हो तो ABCD के से पहले थोड़ा नंबर डाल दिया करो, मुझे पता नहीं लगता है ना। बंटी वैसला जी स्वागत है आपका, पवन कुमार, प्रदीप कुमार, आप भाई सभी जो डेली आया करो यार, रोजाना मुझे दो चार नाम नए निकलते हैं, अरे एक दो दिन में सब सेट हो जाएगा, इतना कुछ आ रहा है टेंशन मत लो जी। अब तो टाइमिंग भी डबल होने जा रही है, काहे को टेंशन ले रहे हैं, डबल टाइमिंग हो रही है, इवनिंग में भी आ रहा हूं संडे से। लवर ऑफ डेड बॉडी, यस बताइए मुझे क्या है, बड़ा खतरनाक सा वर्ड है बेटा, जिसको लाशों से प्यार है, वैसे वैसे लाशों से प्यार किस कमीने को होगा, लेकिन हो सकता है कोई साइकोलॉजिकल ऐसा व्यक्ति हो तो उसे बोलते हैं होमिसाइड, तो हत्या हो जाती है। नेक्रोफाइल होता है, नेक्रो नेक्रो नेक्रो, इस नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी, यस ब्रदर डेड बॉडी, 20वें में भी होगा, सही आंसर है आपका राहुल अमित, आपका बिल्कुल ठीक आंसर है, सुखदेव बिल्कुल सही आंसर है भाई आपको, नेक्रोफाइल बोलते हैं उसे इंग्लिश में, यस। और फिलैंथ्रोपिस्ट तो मानव प्रेमी हो गया, और म्यूज हो गया बेटा साहित्य और पोएट्री से जिसे, यस समझ रहे हैं आप, चलिए 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 बहुत मजा आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया सबका, बहुत बहुत बहुत। संडे को भी मैं चाह रहा हूँ संडे और से स्टार्ट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास आनी चाहिए यार, अब मजा नहीं आ रहा है, मतलब क्या है कि मैं चाह रहा हूँ सारी चीजें निचोड़ दूं इस बार बच्चों के लिए, जैसा वादा किया है
लेकिन अभी स्टूडियो का भी इश्यू रहता है, जिस हमारे जो हमारे टीम है ना वो दिन में तो यहाँ होती है, अब रात को मैं तो आ जाऊंगा, टेक्निकल सपोर्ट भी थोड़ा सा चाहिए, तो एक दो दिन मैं उनको बुला के फिर मैं खुद ही रात भर आपके साथ रहूंगा। हाँ, अब भाई एक चीज सुन लीजिए सभी, आप लोग पहले ही टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं कई मेरे दोस्त, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो नए हैं, यहाँ टेलीग्राम पर /English लगाकर इंग्लिश टाइप कर देना, वहां आ जाएगा। आपको इसकी PDF ऑलरेडी वहां मैंने डाल दी है। भाई कोई बच्चा कहे सर जी मैं जो पढ़ रहा हूँ वो लिख नहीं पाता, दिक्कत है होती है, आप जल्दी जल्दी बोल देते, तो भाई आराम से PDF लो, नोट्स बनाओ, घर पे लिखो, पढ़ो, रटो, मजेदार। बेटा अगर आप अपडेट रखना चाहते हो कि क्या चल रहा है, कौन सी वीडियो, कौन सी चीज कब आ रही है, प्रमोशन वगैरह हम करते रहते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर मैं थोड़ा सा कम डाल, अब तो डालने लग गया हूं, वैसे कम रहता हूं, वहां भी मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, दवंश इंग्लिश नाम से वहां पर पेज है फेसबुक पे, आप उसे लाइक कर लोगे तो जो भी नोटिफिकेशन होता है क्लास के बारे में, फालतू तो ज्यादा क्या है, क्लास जब जब आ रही है, कोई किताब आ रही है, नोट छप रहे हैं, कोई नई चीज आ रही है, वो सब अपडेट रहेगी, और मैं क्विज भी स्टार्ट करता हूँ वहां आप दवंश इंग्लिश पर। और बेटा यूट्यूब पे मेरा यूट्यूब दवंश इंग्लिश पे तो आपको जाना ही जाना है, और ये तो सब्सक्राइब करना ही करना है ना, ब्रज अकेडमी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं दोनों पे ही बैलेंस बना के आ रहा हूँ। ग्रामर वोकैब प्रोग्रेस्ट स्पोकन, चार चीजें यार दोनों चैनलों पे चलने दो बढ़िया तरीके से, नोटिफिकेशन टेलीग्राम में क्लास से पहले आ जाएगा। तो बेटा इसीलिए तो ये टेलीग्राम पे जुड़ना है कि आज की क्लास कहाँ है, तो तुम्हें ढूंढना ही नहीं है, टिक मार देना है ना। बहुत जल्दी मैं आपके लिए शेड्यूल भी बना के डाल दूंगा कौन सा चीज कब रहेगी, ठीक है। चलो तो ये आपको मालूम होना चाहिए भाई, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, एक बच्चा कह रहे हैं ये सौम्य है, डेली कहते हैं स्पोकन कब स्टार्ट होगी। बेटा स्पोकन की PDF बहुत बढ़िया तरीके से बनवाई है मैंने, बहुत जल्दी स्टार्ट है ना, मैं वादा कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल चिंता मत करो। अरे अजय ग्रामर में भी मजा आएगा यार, एक्चुअली क्या मैंने अभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, समझ रहे हो ना आप, ऑनलाइन पढ़ाया नहीं मतलब किसी चैनल पे तो बच्चों को पता ही नहीं मैं ग्रामर कैसे पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। हाँ अजय कह रहा है कि मुझे भी फॉलो करो इंस्टा पे, कुत्ते छोड़ दूं तेरे पीछे, चलो ये चलता हूँ आगे ना, हाँ फॉलो करना मांगता है इसको। चलिए भाई इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, और एक नए सेशन के साथ, नई वीडियो के साथ मैं स्टार्टिंग करूंगा अब इसके बाद। चलिए थैंक यू, अब अगला आज की अगली क्लास आपको देखनी है जी। जस्ट वेट, हाँ न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर। अब चक्कर क्या है यार, चीजें तो बहुत हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है अभी स्टूडियो खाली नहीं है, तो मुझे रात को आना पड़ेगा है ना। कमेंट करके मुझे बताओ रात को कौन सा समय सही रहेगा, 8 बजे आऊं, 7 बजे आऊं, 9 बजे आऊं, 12 बजे आऊं, टाइम बताओ मुझे फटाफट, कौन सा समय आपको सबसे बढ़िया रहेगा और मुझे बताना कमेंट करके इसमें, शाम का कौन सा टाइम आप चाहते हो मुझसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लो भाई एक बार शेयर की दोबारा एंट्री हो गई है। यस, तो जैसा कि भाई आप स्क्रीन पर देख लीजिए, पहले तो अगला रूट वर्ड क्या है, कैसे सेट होगा, ये चीज आप सेट कर लेना है। आप चीजों को समझते हुए चलना है कि एक तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है, मैं आपका जो ध्यान चाहूंगा सबसे ज्यादा वो चाहूंगा यहाँ पर, ये चीजें बिल्कुल अपडेट हो गई हैं, बिल्कुल चीजें पुरानी नहीं है, अपडेटेड नहीं है, आप बिल्कुल रखना। सारी चीजें मैं अपडेट कर रहा हूँ रोजाना, क्योंकि आप कोई क्लास तो है नहीं, बस मैं तुम और बीच में कोई फासला ही नहीं है बेटा। पहले तो ये होता था ऑनलाइन पढ़ाओ फिर ऑफलाइन पढ़ाओ, इतना जाओ वो करो है ना। हाँ एक बच्चा कह रहा 8 से 12 आ जाओ, लक्ष्मीकांत शर्मा, बढ़िया भाई, मैं खाना कब खाऊंगा ये भी तो बताती है। चलो चलो कोई नहीं, टाइम कोई भी टाइम रख लो, बिल्कुल रख लूंगा भाई मैं, तुम्हारा मन करे जो भी रख लो, ठीक है भाई मैं बिल्कुल रख लूंगा, चिंता मत कर। ठीक 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 है, अभी अब मुझे देखिए, अब ये जो मैं सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें देखिएगा, 9 बजे भी आऊंगा शायद मैं, और 7:30 का भी सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं ना, मैं बता दूंगा आपको। अब आप देखिए सब कुछ अपडेटेड है ना, और अपडेटेड कैसे है, आप कोई बच्चा कहेंगे सर मुझे बता दो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें बिल्कुल ऐसे। देखो बेसिक तो पढ़ना ही पढ़ना है जो पेपर में आता है, और सबसे ज्यादा जो हाईलाइटेड हुए ये हैं, लेकिन अभी मैंने ऐसी चीजें अपडेटेड करी है क्योंकि तुम भी कई जगह से पढ़ते हो, ऐसी बात नहीं है कि और बेचारे टीचरों से आप नहीं पढ़ते, उनसे भी खूब पढ़े हुए हैं, लेकिन ये चीज देखो आपने ये चीज पढ़ी है क्या, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, आप मुझे बताइए
ये शब्द एक्चुअली एग्जाम में आए हुए हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन से एग्जाम में कब आए हैं, पर एक बार स्क्रीन पर थोड़ा नजर डालना, ये शब्द आप में से कितने भाइयों ने पढ़े हैं। यस, ये सभी सरकार के प्रकार हैं, हमने तीन चार पढ़ लेते हैं, हम कॉमन कॉमन को काम नहीं बनेगा। यस, बहुत बहुत अंदर तक जाके देखना पड़ेगा भाई। यस, ये आप देख के बताएं मुझे, ये सब अपडेटेड मैटर, ये सब मैंने अपडेट किया है और रोजाना अपडेट कर रहा हूं, तो बिल्कुल चिंता मत करें। एक तो इस तरह से पढ़ना है ये सभी, और उसके बाद हम यहां पर ऐसे प्रैक्टिस करने वाले हैं एक एक करके। यस, इस तरह से। अब बताओ भाई सिस्टम कैसा रहेगा। आप बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे सर ये ठीक है, ये एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन, एक स्क्रीन पर एक क्वेश्चन। नहीं बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा अजय अच्छी बात है, पूछूंगा तो बीच बीच में। हाँ नहीं पढ़े, देखो भारत कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ पढ़े क्यों नहीं है, क्योंकि कॉमन कॉमन होते हैं। मैं बताता हूँ सब किताबों में जो कॉमन कॉमन दे देते हैं ऊपर ऊपर से, तो वो तो सबने पढ़ रखे हैं। अब पेपरों में कई बार आ चुके हैं, इनमें से एक एनडीए में मिला है मुझे कल परसों, जब मैं मॉक टेस्ट बनवा रहा था आपके लिए, और एनडीए के अलावा मुझे एसएससी में भी खूब ये शब्द मिले बेटा, है ना। ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, हाँ भाई ऑफलाइन में तो मैंने पढ़ाए होंगे बिल्कुल, मैं ऑनलाइन टीचर की बात कर रहा हूँ बेटा, ऑफलाइन में तो मैंने पढ़ाए होंगे बिल्कुल। चलो समझ में आ गया, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसके बाद अपन इस तरह से डेली क्वेश्चन करेंगे यहाँ, और क्वेश्चन करने के बाद हम इस तरह से रोजाना क्वेश्चन यहाँ बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो क्या क्या रहेगा उस तरह से अपन लेके चलेंगे, ठीक है। अब मैंने इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों का क्या है, थोड़ा सा विश्वास कम होता है कि यार एक दो दिन पढ़ लिए सर आगे पता नहीं कैसे करेंगे। बहुत अच्छी तरह से होगा, एक दो दिन में मुझे भी सेट करने में लग रहा है, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ। हाँ जी गरीबों का राजकुमार, वो कौन है भाई, ऐसे ऐसे मत डाला करो। यस उत्तम बघेल भाई, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है ना बच्चा, बहुत जरूरी है बेटा। हाँ बेटा अपने चैनल पर भी शुरू करूंगा भारत, टेंशन मत लो, मध्य प्रदेश से हैं आप, बहुत स्वागत है भाई आपका। सर पढ़ाए हैं ये, चल चल बहुत अच्छी बात है भाई अवस्थी जी। चलो नेक्स्ट, अब बेटा एक काम करते हैं, अब आपको स्टार्टिंग से मैं अगर लेके चलूं तो आप देखिए, पढ़ाना स्टार्ट कर, इन सबको दूर कर दिया है मैंने। देखो अब आप देख लिया करो, यहां पर जो वर्ड है वो क्रेसी से स्टार्ट कर दिया है, तो रूट वर्ड सेकंड हमारा हो गया क्रेसी, रख लेना एक एक चीज को, फिर बाद में कहें सर कितने वर्ड करा दिए, मैं एक दिन रिवीजन करके बता भी दूंगा। और मैं तो सोच रहा हूँ संडे को मैराथन लगा दो, पूरे हफ्ते का जो पढ़ाया है, एक दिन ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ऐसा कहा कहते हैं, पर सारे बांस कैसे हटा दोगे दुनिया में से। चलो हाँ चलो अब यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, ये सरल वर्डों से शुरुआत होनी चाहिए, यस सरल वर्डों से शुरुआत होनी चाहिए। मैं देख लेता हूं कुछ, यस और बेटा एक चीज है मैं बोल देता हूं कि अभी कांच हूं, अभी कांच हूं तो चुप रहा हूं, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। बेटा याद रखना है कि अभी आप कांच हो तो सबके लिए चुप रहे होंगे। आप देखो आप फैमिली वालों को भी लगता होगा, अरे यार तेरा तो कोरोना आ गया, पेपर पास होगा कि नहीं होगा, है किसी को लग रहा होगा ऐसा है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अभी बेटा कांच हो तो चुप रहा हूं, एक टाइम आएगा जब आप आईना बनोगे, और बहुत बढ़िया तरीके से लोग आपसे राय पूछेंगे, भाई कैसे पढ़ा था आपने, कैसे क्या किया था, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरी बात यह है कि मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि कि हमारे एक भाई हैं, टीचर हैं खान सर, जैसा आपको सबको मालूम ही है, और भाई साहब खान सर जो हैं एकदम जमीन से उठने वाले टीचर है, बिल्कुल जमीन से, तीन सेट में पढ़ा के बिहार में उस बंदे ने भाई साहब इतना मुकाम हासिल किया कि अच्छे अच्छे टीचरों को हिला दिया भाई साहब, आप समझ रहे हैं। और आज उस बेचारे को टारगेट किया जाए, टारगेट कर रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम है या हिंदू है, पहले तो ये बता,
दूसरा ये बता दू कि तुमने इस मुसलमानों के प्रति ऐसा क्यों बोल दिया, एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति ऐसा क्यों बोल दिया। भाई टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो अगर कोई कमेंट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट है, राइट। और मुझे समझ में नहीं आती, जब हमारे देश में समानता का अधिकार दे रखा है सबको, सबको जब समानता का अधिकार दे रखा है तो फिर आप टीचर की आप कम्युनिटी कैसे पूछ सकते हैं कि आप कौन है। मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं उन सभी लोगों के, और मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं उन लोगों के जो खान सर से उनका तय करवा रहे कि भाई तुम्हारा नाम अमित है या खान है, कोई भी है, वो एक शिक्षक है जो समाज को बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आप समझ रहे हो भाई हमारी जात क्या है। अगर कोई मुझसे पूछे मैं कौन हूं, मैं भी कह दूंगा भाई मैं तो शिक्षक ही हूं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन कौन सी कम्युनिटी की, कभी बात ही नहीं होती इन चीजों की। लेकिन ये गंदी राजनीति और एक टीचर को बार बार टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों इसी सब में मैं बोलना चाह रहा था कल से ही, तो मैंने सोचा मेरे को थोड़ा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज आपको पहले ही से बोल दूं। तो बिल्कुल गलत है भाई ये चीज, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं बहुत ज्यादा ये निंदनीय है। आंसर पूरा टीचर समुदाय आपके साथ है, आप बिल्कुल चिंता ना करें, और ऐसे ही जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं वैसे ही करते रहो। एक बात बताओ यार, अपना अपना सोना बैठना उठना छोड़ के घूमना एंजॉय कर सकता है इंसान, यार ये लोग 200-200 रुपए में बेचारे कोर्स बेच बेच के पढ़ा रहे हैं। आप समझिएगा, कोई महंगी फीस नहीं, खान सर के चले जाइए आप उस पे चैनल पे जाके देख लीजिएगा, और बहुत कम फीस में, और कितनी रिसर्च करके आता है वो बंदा, हमें देखना पड़ता यार। इतनी मेहनत के बावजूद भी आप कह रहे हैं, अरे आप ये बताओ आप मुसलमान हो या हिंदू हो, ये तो गलत बात है। फिर सेकुलरिज्म क्या रहा देश में, धर्मनिरपेक्षता की बात ही खत्म हो जाएगी यार। इसका मतलब पहले ये तय किया जाए कि धवन कौन है, खान कौन है, या कोई और भी सर जो पढ़ा रहे हैं वो कौन है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सभी टीचर समुदाय आंसर आपके साथ हैं, आपकी मेहनत को सलाम करते हैं, जिस तरह से आपने मुकाम हासिल किया है, अच्छे अच्छे टीचरों का आपने बजा दी है, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट को आप हिला सकते हो, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने फैन फॉलोइंग कर रखी है। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ आपसे, लव यू ब्रदर, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम सभी स्टूडेंट और सभी टीचर समुदाय आपके पूरी तरह से साथ, ठीक है बच्चा। अब बेटा आज समय हो गया है, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ इस सेशन को मैं कल से स्टार्ट करूंगा यहाँ रूट वर्ड 2 से, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही देता हूँ, उसका रीजन है आज मैं पढ़ा दूंगा फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कल के वीडियो में फिर वो नए क्रम से मिलना चाहिए बेटा, है ना। चलिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया जा बेटा, यस हाँ मुझे पता है इसराइल का सपोर्ट किया था, अरे वो अलग बात है यार, ये अपना मन है, आप किस देश को सपोर्ट करते हैं अलग बात है। टीचरों को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता। आप सबको बहुत बहुत प्यार भाई ऑनलाइन आने के लिए, और डेली आइए, और विश्वास आपका बना रहना चाहिए मुझ पर, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो रोज मुझे जगाएगा और मेहनत करवाएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में बहुत अच्छे वीडियो के साथ, बिल्कुल अपडेटेड है, विद एग्जाम्पल है, फॉन्ट चेंज कर दिया है, सब कुछ बढ़िया, ये धीरे धीरे आता है भाई, एक दो दिन में, आप सोचे एक ही दिन में हो जाए, संभव नहीं है। शुक्रिया दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू।